जबरदस्त उठापटक के बाद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का पूरा सुख प्राप्त हो गया। जो सपना शहबाज शरीफ ने साल 2018 में देखा था वो 4 सालों के बाद साकार हुआ है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा आराम शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को पहुंचा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इसी महीने के आखिरी में मुल्क आ सकते हैं। उनकी वापसी मुल्क में हो रही है। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN के नेता जावेद लतीफ ने दावा किया है कि उन्होंने खुद नवाज की पाकिस्तान वापसी पर बात की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही यह दावा किया जा रहा था कि इमरान खान सरकार गिरने के बाद शरीफ की मुल्क वापसी तय है और शहबाज शरीफ की सरकार का रिमोट कंट्रोल वास्तव में नवाज शरीफ के हाथों में ही है। नवाज शरीफ के आने की खबर से ऐसा भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अब नवाज के रिमोट से काम करेंगे। माना जा रहा है कि कानून मंत्रालय नवाज की वापसी और उन पर चल रहे केसों के मामलों में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकती है, जिसमें नवाज को खराब सेहत के आधार पर जेल जाने से राहत मांगी जाएगी। नवाज नवंबर 2019 में इलाज के लिए लंदन गए थे, इसके बाद से वो वहीं पर है। इमरान सरकार ने उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए तमाम कोशिशें की थी, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी। वैसे भी नवाज के पास सेहत के आधार पर कई कानूनी विकल्प खुले थे। लतीफ के मुताबिक पाकिस्तान लौटने के बाद नवाज कोर्ट के सामने पेश होंगे। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में चुनौती देगी। इमरान सरकार ने इस मामले में हर बार अड़ंगा लगाया था और अटॉर्नी जनरल के सामने इनकी दलीलें पेश नहीं की थी। जियो न्यूज के मुताबिक शहबाज सरकार में मंत्रियों के नाम तय करने में भी नवाज की अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल उर रहमान से इस बारे में बातचीत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं और बहुत मुमकिन है कि आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाए। और इन सब का प्लानिंग खबर के मुताबिक नवाज शरीफ ही कर रहे हैं। शहबाज सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले ही राहत का ऐलान कर चुके हैं। IMF ने इमरान के दौर में इकोनॉमिक पैकेज पर रोक लगा दी थी। उसने कहा था कि नई सरकार आने के बाद यह पैकेज फिर बहाल किया जाएगा। शहबाज ने कहा है कि वो ईद के पहले आवाम के लिए कुछ नई राहतों का ऐलान करेंगे। नवाज की पार्टी के नेताओं का दावा है कि नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान लौटेंगे। हालांकि अभी पाकिस्तान में नवाज के खिलाफ कई केसें चल रही हैं। मुल्क में 22वें प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया गया और वह पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए गए पहले प्रधानमंत्री बन गए। इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका 10 अप्रैल 2022 तक 1332 दिनों का पूरा कार्यकाल रहा। इमरान खान 3 साल 7 महीने और 23 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसके बाद मुल्क के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ PM बने। शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई। लेकिन अब ये जानते हैं कि नवाज शरीफ आखिर कौन है। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं। नवाज शरीफ का जन्म 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में हुआ। 2016 में पनामा पेपर लीक में नाम आने के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पद से नवाज शरीफ को हटा दिया था। उसके बाद 28 जुलाई को नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। नवाज शरीफ ने साल 2000 में तत्कालीन सैन्य शासक मुशर्रफ के निर्वासित कर दिया था। इसके पहले उनकी निर्वाचित सरकार को भी बर्खास्त कर दिया था। तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान की आतंक विरोधी अदालत ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के अपराध में दोषी करार दिया था। सऊदी अरब की मध्यस्थता से शरीफ को जेल से बचकर सऊदी अरब के जेद्दाह नगर में निर्वासित यानी शिफ्ट कर दिया गया। 23 अगस्त 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को पाकिस्तान वापस आने की इजाजत दी थी। 10 सितंबर 2007 को शरीफ 7 वर्षों के निर्वासन के बाद यानी जाने के बाद इस्लामाबाद वापस लौटे। फिर उन्हें हवाई अड्डे से ही तुरंत जिद्दा वापस कर दिया गया था। फिलहाल नवाज शरीफ ब्रिटेन में है और उनके आने की हर कोशिश
उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इमरान सरकार के दौरान नवाज शरीफ की बेटी और फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को संभाल रही मरियम नवाज को भी जेल जाना पड़ा था। अब जबकि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो मरियम और नवाज के लिए अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। देखते रहिए न्यूज़ तक।